देखिए, अगर आप टीचिंग लाइफ में करियर बनाना चाहते हैं तो कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि आप एक सरकारी टीचर बने। इसके लिए आपके पास मेनली दो ऑप्शंस आते हैं। पहला, आप बीएड करेंगे, दूसरा आप डीएलएड करेंगे, जिसे बीटीसी भी कहा जाता है। बीटीसी बेसिकली एक टाइप का प्राइमरी कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप प्राइमरी स्कूल्स में टीचर बन सकते हैं और एक अच्छे वेतन के साथ काम कर सकते हैं। बीटीसी कोर्स क्या होता है, इसे आप किस प्रकार से करेंगे, इसे करने के बाद आप टीचर कैसे बनते हैं, करने के लिए योग्यता कितनी चाहिए, फीस कितनी होती है और सैलरी आपकी कितनी तक होती है अगर आप इस कोर्स को करने के बाद टीचर बनते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम बीटीसी करने के लिए कुछ योग्यताओं की बात करते हैं। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए अगर आप बीटीसी कोर्स करना चाहते हैं तो। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलती है, यानी कि 45% भी होगा तो आपका चल जाएगा काम। अब बीटीसी में एडमिशन कैसे होता है? देखिए, बीटीसी कोर्स करने के लिए अलग अलग राज्यों का अलग अलग सिस्टम होता है। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो कि अपना बीटीसी काउंसलिंग अलग रखते हैं, उसके तहत आपका एडमिशन लेते हैं। वो हाई स्कूल के, ट्वेल्थ के और ग्रेजुएशन के मार्क्स जोड़ेंगे और उस आधार पर मेरिट लिस्ट निकालते हैं। और कुछ राज्य ऐसे होते हैं, यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपका प्रॉपर एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और उस एंट्रेंस एग्जाम में जब आप पास होते हैं तब आपको एडमिशन दिया जाता है कॉलेज में उनके। अब एक बहुत कॉमन सा सवाल यह है कि बीटीसी की फीस कितनी होती है। देखिए, बीटीसी कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसकी फीस फिक्स नहीं है। ये अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो एक साल का आपका 10,000 भी पड़ सकता है, वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो एक साल का आपका 40,000 भी पड़ सकता है। तो वो कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग होता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मेरिट अच्छी आती है तो आप 10,000 रुपए में एक साल आसानी से निकाल सकते हैं। अभी लोग पूछते हैं बीटीसी कितने समय का कोर्स होता है। इसे आप प्रॉपर 2 साल तक करते हैं और उसके बाद किसी स्कूल में या कॉलेज में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर बीटीसी कोर्स को करते करते साथ ही आप किसी कॉलेज या स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि बीटीसी में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। देखिए, मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके। सबसे पहला आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ना होगा, फिर गणित, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ता है और इसके अतिरिक्त भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन जो होता है, या फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेस होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं, आप उन्हें पढ़ना चाहें तो ऑप्शन रहता है आपके पास कि आप उन्हें चुन सकते हैं। बीटीसी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बीटीसी करने के बाद सभी को पता है कि हम टीचर बन सकते हैं, पर मोस्टली लोगों का ये मन होता है कि हम गवर्नमेंट टीचर बने। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको सीटेट या फिर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। बीटीसी करने के फायदों की बात करें तो आप सरकारी और प्राइमरी स्कूल में टीचर बन सकते हैं। बीटीसी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में नौकरियों की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं, अगर आपको सरकारी नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट किसी भी स्कूल में या कॉलेज में जाकर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपना इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो कि आप किस प्रकार से बीटीसी कोर्स कर सकते हैं और इसे करने के क्या क्या फायदे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।